ताजा मामला गोरखपुर के सहजनवा तहसील क्षेत्र का है, जहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। तहसील में कार्यरत कानूनगो मकसूद अली पर जमीन के पट्टे के नाम पर घूस लेने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि कानूनगो मकसूद अली के ऊपर एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसके जमीन के पट्टे के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की गई है, जिसका ऑडियो पीड़ित संतोष कुमार के पास है। जानकारी के अनुसार गांव का पुश्तैनी खपरेल का मकान गिर गया था, जिसका निर्माण कार्य चल रहा था, जिस पर हल्का लेखपाल ने थाने को फोन कर निर्माण कार्य बंद करवा दिया था। जो संतोष कुमार जी ने मकसूद अली कानगो पे आरोप लगाया है, जो है धन उगाही का, इस पे सर क्या मामला है थोड़ा सा? ये संतोष पुत्र रामकिशुन है, जिगना निवासी है। इनके द्वारा IGRS पे दरखास्त डाली गई है, जिसपे कानगो है हमारे मकसूद अली, उनके ऊपर धन उगाही का आरोप लगाया गया है, जिसके संबंध में कानगो के खिलाफ स्पष्टीकरण जारी किया गया है और संतोष को भी नोटिस भेजी गई है कि आप अपना समस्त साक्ष्य लेकर के तहसील कार्यालय में उपस्थित हों, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। वो अपना कोई साक्ष्य लाते हैं, ये बात अगर सही पाई जाती है तो नियमानुसार कानगो के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। मकसूद जी कहाँ, यहाँ यहाँ पे सहजनवा में आप किस पद पे पोस्ट हैं? कानून को आप पे तो अभी एक आरोप लगा है, आपका एक ऑडियो वायरल हुआ है, क्या मामला है? जी साहब, जिसने ऑडियो संतोष कुमार ने भेजा है जी, उस आदमी को ना मैंने आज तक देखा है जी, ना मेरी उससे कोई लेन देन की कोई बात है और ना उसका मैं कोई काम ही जानता हूँ। एक काम देखा है कि उसका कोई डीह की जमीन पे घर बन रहा था, मैं गया हूँ जाँच करके चलाया हूँ, उससे मेरी ऑडियो से कोई बात नहीं हुई है। जो भी ऑडियो फर्जी है, दूसरे आदमी का किसी का ऑडियो लेकर के घूम रहा है। मतलब अभी जो जांचें हो इस संदर्भ में, तो जांच भी आपकी जी, हमारे ऊपर जांच चल रही है। ओके, थैंक यू भाई साहब। आपका क्या नाम है? सर हमारा नाम संतोष कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम दिखना पोस्ट आटो किधर। आपके द्वारा कानगो मकसूद अली पर धन उगाही का आरोप लगाया गया है जी, पूरा क्या मामला है थोड़ा बताएं? सर मामला हमारा पुश्तैनी घर था जी, पुश्तैनी घर था, तो इन्होंने कानगो साहब कहें कि ATM साहब हमको भेजे नवाने के लिए और नगवा करके पैसे हमारा, मतलब हमारा नगवा करके हमारा जमीन अभी पश्चिम पड़ रहा है, अभी पश्चिम पड़ रहा है, इसके लिए हम ATM साहब और तहसीलदार साहब को पैसे देना पड़ेगा जी, पैसे देना पड़ेगा और तुम्हारा घर पट्टा कर देंगे, तुम्हारे पास अनिल घर नहीं है जी। तो हमने दूसरे व्यक्ति से रुपया दिलवा दिया। किसको आपने रुपया दिलवा दिया? मकसूद अली कानगो साहब को। अच्छा, पैसे दिलवा दिए, पैसे हमारी बात होती रही, कुछ दिन बाद हमारा नंबर ब्लॉक कर दिया उन्होंने, व्हाट्सएप भी ब्लॉक कर दिए जी, हम पर लखनऊ में रहते हैं, ब्लॉक करते हैं सर जी। तो फिर इसके बाद आपने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की? उच्च अधिकारी सर हम यहाँ से लेकर लखनऊ तक शिकायत की, हमारी सुनवाई नहीं हो रही सर जी, तो न्याय नहीं मिला। जानकारी में आया है कि इसमें तहसीलदार महोदय द्वारा जाँच किया जा रहा है और जांच के उपरांत आपको भी नोटिस दिया गया है साक्ष्य उपलब्ध कराने के लिए, तो इस पे आपका क्या कहना है? आपने साक्ष्य उपलब्ध कराया? जी, आज तहसीलदार साहब से मैंने साक्ष्य उपलब्ध करा दिया है जी, पेन ड्राइव के माध्यम से, और जी तहसीलदार साहब कहना कि ATM साहब के सामने सुना जाएगा। अच्छा, मतलब आप लोग क्या चाहते हैं इनके खिलाफ? चाहते हैं इनके ऊपर कार्रवाई हो, हमको न्याय मिले, हमारा पैसे वापस हो। अभी आपका पैसा वापस नहीं हुआ? पैसे हमारा वापस नहीं मिला। और मौके पे जो आपका मकान का मामला था, उसका क्या हुआ? मकान हमारा मामला सर DM साहब के आदेश पर टीम गठित हुई है, 125 नंबर, 126 नंबर, 127 नंबर, DM साहब अपने आदेश पर केवल हमारा 125 नंबर जमीन नपवाए, हमारे 127 नहीं नपवाए, 126 नहीं नपवाए। क्या आपको लगता है कि आपके साथ जो है निष्पक्ष जांच जो चल रही है, क्या इसमें जो है कानगो के ऊपर कार्रवाई हो सकती है? जी सर, हो सकती है। मतलब प्रशासन पे आपको भरोसा है? भरोसा हमारे।